Welcome to the next video. In this particular video, we are going to learn about disorders related to the digestion and nutrition. तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी डाइजेशन में जो डिसऑर्डर होते हैं, डाइजेशन के कारण डिसऑर्डर होते हैं और न्यूट्रिशन के कारण जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड सिलेबस। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर अपन मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूँ, तो इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया था। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, तो जो प्रोटीन और कैलोरी की लंबे समय तक कमी रह जाती है तो उसके कारण दो तरह की जो डिजीज़ होती है जो आपकी बुक में दे रखी है वो यहाँ पर मैं उनको डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पर सबसे जो पहले की जो पहली डिजीज़ है उसको अपन क्वाशियोरकर बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो ये क्वाशियोरकर कहाँ किस में होती है, ये 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनमें ये होती हैं। अब यहाँ देखिए तो इसका कारण क्या है। अब इसका कारण ये कि क्योंकि भोज्य पदार्थों की कमी, यानी खाने की कमी हो जाए, लंबे समय तक खाना कम मिल रहा है और जो माता होती है, जो मदर होती है, उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी, तो उससे उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी तो जो वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तब वहाँ पर जो बेबी होगा उसको भी प्रोटीन कम मिलेगा, तो उसके कारण बेबी में ये क्वाशियोरकर डिजीज होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब इसके सिम्टम्स होते हैं कि यहाँ पर देखें तो मानसिक, मेंटली और फिजिकली जो वृद्धि होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी, जो बेबी होगा वो उसकी ग्रोथ कम होगी, और यहाँ देखें तो जो वेट होगा वो भी बहुत कम होगा, भार होगा वो कम होगा, और उसके हेयर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, उतरने भी शुरू हो जाते हैं और काफ़ी कम हेयर आने लग जाते हैं। अब यहाँ देखें तो ओडीमा, ओडीमो लिख रखा है, और यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो फेस होता है और जो पैर होते हैं वहाँ पर काफ़ी सूजन आ जाती है, और इसमें पेट होता है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसका मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, तो ये वो उसका डायग्राम है। तो अब अपन देखते हैं मेरास्मस डिजीज। अब मेरास्मस किस में होती है, तो मेरास्मस 1 वर्ष तक के बच्चों में ये होती है, वो 1 से 3 थी, ये 1 वर्ष के तक के बच्चों में ये होती है। इसका कारण क्या है, लंबे समय तक प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी भी हो रही है और कैलोरी मतलब ऊर्जा की भी कमी, ऊर्जा से युक्त फूड की भी कमी हो रही है, तो उसके कारण भी ये डिजीज होती है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि समय से पूर्व जो एक टाइम होता है फिक्स कि इतने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, उससे पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग यानी दूध पान बंद कर देते हैं, बेबी को दूध पिलाना बंद कर देते हैं समय से पहले ही, तो ये डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं मेंटली और फिजिकली, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल ही कम होगा, और यहाँ देखें तो जो वेट होगा वो भी कम होगा, और बार बार अतिसार आने के चांसेस रहेंगे, बाल सामान्य होंगे, इसमें बाल क्या होंगे, सामान्य होंगे, और यहाँ देखें तो इसमें मेरास्मस डिजीज में सूजन किसी भी तरह की नहीं होगी। क्वाशियोरकर में देखा था कि पेट बाहर आ जाता है और फेस व लेग में क्या होती है, सूजन होती है, परंतु मेरास्मस में किसी भी तरह की कोई सूजन नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर जो त्वचा होती है, उपत्वचा होती है, वहाँ पर जो फैट या वसा होता है वो भी बहुत कम होता है, और यहाँ देखें तो त्वचा होती है वो शुष्क हो जाती है, एकदम सूखी और शल्की हो जाती है, मतलब उस पर सूखी सूखी सी, रुखी रुखी सी त्वचा उसकी हो जाती है। अब यहाँ देखें तो इसकी जो पसलियाँ होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इसका डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ अपन मैं आपको दूसरी चीज़ में ले जाने चाहता हूँ, उसको बोलते हैं जॉन्डिस। अब यहाँ देखें तो जॉन्डिस को अपन पीलिया भी बोलते हैं, और इसके बारे में एक अलग कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब यहाँ देखें तो जॉन्डिस, अब ये वायरस से भी होता है और ज़्यादा शराब पीने से भी होता है, बहुत सारे कारण हैं इसके, तो मेनली वायरस के कारण होता है जिससे लीवर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसमें पीलिया में लीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लीवर में जो अपरिपक्व आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है, और जिसके कारण आरबीसी में क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, और हीम टूटता है तो उसमें 2 तरीके के पिगमेंट होते हैं, बिलू रूबिन और बिलू वर्डिन। तो यहाँ पर बिलू रूबिन और बिलू वर्डिन होते हैं वो क्या होते हैं कि जो अपनी त्वचा, नाखून और आँख के जो कॉर्निया वाला भाग होता है वहाँ पर या ये
पेट में जाके जमा हो जाते हैं, तो पूरी बॉडी पीली पीली सी दिखाई देती है, नाखून, ये आंखें और ये पीली पीली दिखाई देती है, ये इसके सिम्टम्स हो गए, यहाँ पर ये दिखने लग जाता है। लीवर खराब होने पर क्या होता है कि लीवर खराब या लीवर सिरोसिस के कारण या फैटी लीवर सिंड्रोम के कारण भी लीवर खराब हो सकता है ज़्यादा शराब पीने से। और यहाँ देखे तो पीत का श्रावण स्राव कम हो जाता है, लीवर खराब हो जाएगा, पीत का स्राव हो जाएगा, जिससे कॉमन बाइल डक्ट भी बंद हो जाती है। और यहाँ देखे तो कभी कभी जो गॉल ब्लेडर होता है वहाँ पर स्टोर होता है, वहाँ स्टोन बन जाता है, जिसके कारण भी पीत लीवर में ज़्यादा स्टोर होने लग जाता है, और जिसके कारण पूरा जो सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है उसके कारण भी जॉन्डिस हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मेनली ये है कि आरबीसी के नष्ट होने के कारण ये डिजीज होती है। अब यहाँ देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा और डिजीज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इसको कब्ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आंत्र की गति होती है, जो आंत होती है इंटेस्टाइन, उसकी गति अनियमित हो जाती है, और जो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेशन होने के बाद, और जो भी बचता है इनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है, जहाँ पर जो मल होता है वो स्टोर रहता है, ज्यादा टाइम तक स्टोर रहता है, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये पानी कम पीने की वजह से भी होता है। अब यहाँ देखें तो इनडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इनडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर इनडाइजेशन का मतलब है पूर्ण पाचन नहीं होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, जो भी फूड खा रहे हैं तो उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। अब ये किस किस की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी एंजाइम होते हैं उनकी कमी से भी ये हो सकता है कि एंजाइम का श्रावण प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी ये जो इनडाइजेशन हो सकता है। इसमें पेट भरा भरा सा महसूस होने लग जाता है, और ज़्यादा मसाले युक्त भोजन का अगर अपन सेवन करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड को अपन टेक करते हैं, तो उसके कारण भी इनडाइजेशन होता है, जिसमें पेट भरा भरा सा महसूस होता है, तो एंजाइम की कमी से ये होता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ वोमिटिंग, अब वोमिटिंग होती है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अब यहाँ इनवॉलेंट्री है प्रोसेस, तो यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वॉमिटिंग का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोगेटा में, वहाँ अपने को उल्टी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, उल्टी कब आती है, पहले नोजिया आता है, एकदम मिचली सी आती है, मतलब एकदम जी घबराता है, और उसके बाद उल्टी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं। और इसका कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। तो जिसमें ये अपनी जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, वहाँ पर जो भी फूड होता है वो क्या होता है, वापस गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू वापस अपनी इसोफेगस से होते हुए मुंह से बाहर निकलता है, उसको अपन वोमिटिंग बोलते हैं। अब यहाँ देखे तो डायरिया, अब डायरिया होता है वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरसेस से भी हो सकता है। तो यहाँ पर डायरिया में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी बाउलिंग मूवमेंट होती है, मतलब उसकी अनियमित गति होती है, तो जो भी फूड होता है वो कंप्लीट जितना समय तक इंटेस्टाइन में और स्टमक में रहना चाहिए उतना वो रहता ही नहीं है, जो भी खाया वो सीधा बाउलिंग मूवमेंट द्वारा आगे बढ़ता जाता है और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसमें डायरिया में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फूड का, और डायरेक्ट फूड आगे आता रहता है, और इसमें ज़्यादा दस्त लगती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।